नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से जो हरियाणा से है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा बाल बाल बचे हैं। सांसद की कार को ट्रक ने टक्कर मार दी है, तो बड़ी जानकारी आपको हरियाणा से दे रहे हैं, जहां राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की कार को ट्रक ने टक्कर मार दी है। इस हादसे में सांसद बाल बाल बच गए हैं। यह हादसा कुंडली मानेसर पलवल हाईवे पर हुआ है, बिलासपुर पुलिस थाना क्षेत्र में यह घटना हुई है। इस घटना के बाद कार्तिकेय शर्मा को मेदांता अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा रविवार को हादसे में बाल बाल बच गए हैं, जबकि उनकी गाड़ी बिलासपुर थाना क्षेत्र के कुंडली मानेसर पलवल हाईवे पर ट्रक से टकरा गई थी। अधिकारी के मुताबिक सांसद को मेदांता अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी हालत फिलहाल ठीक है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार यानी आज मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में शामिल होकर देश की सभी ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थाओं को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल को रीवा के SAF मैदान में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में शामिल होकर देश की सभी ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थाओं को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में एक रैली को संबोधित किया है, जहां उन्होंने कहा कि बीआरएस का चुनाव चिन्ह कार है जिसका स्टीयरिंग मजलिस के पास है। अब स्टीयरिंग मजलिस के पास है तो कार की दिशा अच्छी कैसे हो सकती है? ये भारत का नक्शा भी बनाते हैं, तो ऊपर कश्मीर आजाद होता है, आजाद कश्मीर बताकर आपने भारत का अपमान किया है। बीआरएस का चुनाव चिन्ह क्या है भाई, बताओ तो जरा क्या है? कार है, कार। ये कार का स्टीयरिंग किसके पास है? किसके पास है? किसके पास है? अब स्टीयरिंग मजलिस के पास है तो कार की दिशा अच्छी हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? अरे कमल को वोट दीजिए भैया, कमल को वोट दीजिए, कमल पर बैठकर महालक्ष्मी वैभव लक्ष्मी तेलंगाना में। ये कार का स्टीयरिंग, ये कार का स्टीयरिंग मजलिस के पास है, ओवैसी के पास है, वो तेवन तेलंगाना का भला नहीं कर सकते। ये नक्शा भी बनाते हैं भारत का तो उस पर कश्मीर आजाद होते, आधा कश्मीर बताकर आपने भारत का अपमान किया है। वह पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे पर पहुंचने को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश की धरती रीवा पर पहुंचेंगे। 4,11,000 गरीब भाई बहनों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों के गृह प्रवेश का कार्यक्रम होगा। जल जीवन मिशन के तहत 7,853 करोड़ रुपए की लागत से 5 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही 2,300 करोड़ की अलग अलग रेल योजनाएं भी देश को समर्पित की जाएंगी। आज फिर मध्य प्रदेश के सौभाग्य सूर्य का उदय हुआ है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज फिर मध्य प्रदेश की धरा रीवा पर पधार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अनेकों सौगातें लेके आ रहे हैं। एक तरफ वो हमारे गरीब बहनों और भाइयों को, ऐसे 4 लाख हितग्राहियों को 4,11,000 गृह प्रवेशम का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और 4,11,000 गरीब बहनों भाइयों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने मकानों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम होगा। दूसरी तरफ वे स्वामित्व के अधिकार पत्र का प्रदाय करेंगे। हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहनों और भाइयों के पास
जमीन भी है, उस पर मकान भी बना हुआ है, लेकिन कोई अधिकार पत्र नहीं था। अब 125 करोड़वा अधिकार पत्र प्रधानमंत्री जी रीवा में हितग्राहियों को सौंपेंगे। इस बीच वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 7,853 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इससे रीवा, सतना और सीधी जिले के गांवों को पीने का पानी घर में ही मिलेगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के पानी दिया जाएगा। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, अब तक हम 57 लाख घरों में ये पीने का पानी जल जीवन मिशन के अंतर्गत पहुंचा चुके हैं। अब पुनः प्रधानमंत्री जी इन योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। रेलवे की सौगातें भी। वहीं निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने रायबरेली पहुंचे जल शक्ति मंत्री। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के बयान मामले से पल्ला झाड़ गए हैं। जल शक्ति मंत्री ने अखिलेश यादव को जातिगत जनगणना मामले पर भी चुप्पी साध ली है। दरअसल प्रयागराज में रईस चंद्र शुक्ला को बीजेपी ज्वाइन कराने जाने को लेकर कैबिनेट मंत्री सख्त नाराज हैं। इस आशय से जुड़ा एक पत्र जारी करते हुए नंदी ने बीजेपी के कुछ लोगों को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह पार्टी चलाए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2022 में जो शख्स उनके सामने सपा से चुनाव लड़ा और बुरी तरीके से हारा, उसको बिना मुझे स्थानीय विधायक के नाते विश्वास में लिए बीजेपी ज्वाइन कराया गया। विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, कानून के राज पर चुनाव लड़ेंगे और नगर के डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरफा चुनाव है। आज जैसा रायबरेली में मैं कार्यकर्ताओं की बैठक में उत्साह देखा और जिस प्रकार का उत्साह यहाँ दिखाई दिया कार्यकर्ताओं, जो जुनून दिखाई दिया है, जिस प्रकार मैं देखा हूँ रायबरेली 100%। रायबरेली के उचहार कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर अरखा प्लाई फैक्ट्री के पास तेज रफ्तार कार की वजह से ई रिक्शा नियंत्रित होकर खाई में पलट गई। घटना में चालक समेत ई रिक्शा सवार 10 लोग घायल हो गए, जिसमें गंभीर रूप से घायल 2 महिलाओं को CHC से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। करीब 10 लोगों को सेसी लाया गया है, जिसमें बच्चे, बुड्ढे और जवान सभी लोग थे, शायद किसी फंक्शन में जा रहे थे, तो उनको प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। बाकी लोग तो घर गए हैं, 2 लोगों को रेफर किया गया जिला। वहीं एक बार फिर देश में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,178 नए मामले सामने आए हैं। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 300 के पार है, जबकि दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में आए 948 नए मामले, 2 की मौत हुई है दिल्ली में। वहीं बिहार में कोरोना के एक्टिव केस 857 हुए हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 948 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना की वजह से 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, कोरोना का कहर लगातार देश में बढ़ता जा रहा है। हर रोज कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जहां बिहार में कोरोना एक्टिव केस 857 हो गए हैं, वहीं दिल्ली में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। हर रोज नए मरीजों का आंकड़ा जो है वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,178 मामले सामने आए हैं। हालांकि पहले की अपेक्षा ये आंकड़ा थोड़ा कम है। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या आपको बता दें कि 300 के पार चली गई है, जबकि बिहार में भी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना का असर तेजी से बढ़ रहा है, लगातार कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में 948 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं, जबकि दिल्ली में 2 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 857 24 घंटे के अंदर सामने आई है। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार जो है धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,178 नए मामले सामने आए हैं।
झारखंड की बात करें तो झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 300 के पार चली गई है। वहीं बिहार में भी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में कोरोना की वजह से 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि 24 घंटे में 948 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। बात करें बिहार की तो बिहार में कोरोना के एक्टिव केस 857 पहुंच गए हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एक बार फिर देश के दिग्गज पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया है। बजरंग पुनिया, विनय सोगाट और साक्षी मलिक जैसे दिग्गज खिलाड़ी सहित कुछ और पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। इससे पहले भी इन सभी पहलवानों ने जनवरी में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरना दिया था। इस पहलवानों का कहना है कि भूषण ने महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण किया है। इस संबंध में भारतीय ओलंपिक संघ और खेल मंत्रालय ने जांच समितियां बनाई थी, लेकिन विनस ने इन समितियों से नाराजगी जाहिर की है। अब एक बार फिर से ये सभी पहलवान धरने के मूड में नजर आ रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगी, हमने 2 दिन पहले सीपी पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है, पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना FIR दर्ज हुई। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी जो FIR हो और अक्यूज को जो है वो जो जेन्युइन सजा है वो मिले। सेक्सुअल हैरेसमेंट के का मामला था और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ था। जो कमेटी की रिपोर्ट वगैरह थी वो भी हमें मिली थी। 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने से ऊपर ही हो गए हमें वेट करते करते, और हमें पूरा यकीन था कि सरकार हमारा साथ देगी, लेकिन 2.5 महीने हो गए, रिपोर्ट सबमिट हुई है नहीं हुई है, उसमें क्या था क्या नहीं था अभी तक हमारे आगे नहीं आया है। और अभी थक हार के हम वापस आए हैं कि हमें बता दिया जाए, क्योंकि 2.5 महीने के बाद सब लोग अभी यही सोचने लगे हैं कि हम जो बैठे थे हम झूठे थे, हमारी कंप्लेंट झूठी थी, जो कि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रहा, क्योंकि हमेशा सच्चाई के साथ जीवन जिया है, सच्चाई के साथ कुश्ती की है, लेकिन अभी जगह जगह जाते हैं तो लोग हमें झूठा कि झूठ ऐसा दिखाते हैं कि झूठी कंप्लेंट थी तुम्हारी, लेकिन ऐसा नहीं है, सच्चाई की लड़ाई लड़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सच के उसमें और जरूर जीतेंगे। पुलिस क्या कह रही है, पुलिस के उच्च अधिकारी कुछ रिप्लाई दे रहे हैं आपको? उनका ये था कि आप मंडे हमसे बात कीजिएगा, लेकिन ऑलरेडी 2 दिन हो गए हैं और बहुत सेंसिटिव मामला है, डिले कर रहे हैं। बजरंग से संपर्क करने की कोशिश की, मंत्रालय की तरफ से आपने संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि 2.5 महीना हो गया, आप लंबा समय भी तब भी बह गए? नहीं, हमने नहीं की, हमने सिर्फ वेट किया था कि रिपोर्ट पब्लिक हो और सबके सामने आए कि सरकार की क्या रिपोर्ट हुई है, जो कमेटी ने हमारे बयान सुने, लड़कियों के बयान सुने, तो क्या सबमिट हुआ है वो सामने आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आया। बजरंग मामला सेंसिटिव क्यों है, क्या किसी तरह की धमकियां मिल रही हैं आप लोगों की या उन लड़कियों की, कुछ किस तरह का खतरा? देखो, सेंसिटिव तो जब एक हैरेसमेंट का केस लगता है तो सेंसिटिव तो वो अपने आप ही मामला बन जाता है। इसीलिए ये है कि 2 दिन भी नहीं लगने चाहिए थे, जिसमें मैंने बताया कि एक लड़की माइनर है, तो जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि एक लड़की का मामला है, कितना सेंसिटिव हो सकता है। जब फेडरेशन पूरा नेशनल भी करवा रहा है, सारी चीज़ें वो रन कर रहा है, खुद उनका ऑफिस खुल रहा है, तो खिलाड़ियों की कहाँ सुनी जा रही है, ऐसी तो कोई बात है नहीं, तो इसका मतलब हम झूठे बैठे थे यहाँ पे। अभी FIR केस के लिए हमने कंप्लेंट डाल दी है, FIR हो जाएगी तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि भाई खिलाड़ी झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे। पहले बोल रहे थे कि आप FIR नहीं कर रहे, अभी खिलाड़ियों ने FIR के लिए भी 7 लड़कियों ने जब FIR कर दी है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर FIR हो जाएगा तो फिर आप पुलिस प्रशासन में सब कुछ जांच जो पड़ताल है आप छोड़ के आप वापस चले जाएंगे? जब तक अरेस्ट नहीं होता जब तक हम देखिए सर, ये देश के खिलाड़ी बोल रहे हैं कि हमारे साथ में हरासमेंट हुआ है, FIR लॉन्च होनी चाहिए और जो अक्यूज है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि सिर्फ क्योंकि हमारी लाइफ, हमारा गेम, हमारा परिवार सब कुछ दांव पे लगा के हम यहाँ पे आए हैं। आपको क्या लगा? 3 महीने से हम इतने मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं, सिर्फ एक इसमें कि हमें इंसाफ मिले हम खिलाड़ियों को, और ये महिला खिलाड़ियों की सम्मान की बात है। हम इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक में मेडल लाती हैं हमारी लड़कियां, कोई ऐसे नहीं। अगर हम ही सुरक्षित नहीं है इस देश में तो
बाकी लड़कियों के भविष्य का या हम किसके बारे में क्या सोच सकते हैं? क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर पुलिस पर है ऐसा लग रहा है आपको? ये देखिए आपको भी पता है कि जिसके खिलाफ में हम लड़ रहे हैं वो कितने स्ट्रोंग हैं, हमें नहीं पता उनको बचाने के लिए कौन लोग उनका साथ दे रहे हैं कौन नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें हम देश की जनता से न्याय मांगने आए हैं, देश की उच्च न्यायालय से हम न्याय मांगने आए हैं कि हमें न्याय दिया जाए। जंतर मंतर पे क्या कंटिन्यूटी में रहेगा आप धरना आपका? हम इधर ही सोएंगे जी, इधर ही खाएंगे, जितना हो सकता है हम इधर ही रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि आज आप लोग अनुराग ठाकुर जी से आपने समय मांगा था मिलने का, देखिए इसीलिए आज आप लोग 3 महीने से हम लोग कॉन्टेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ना तो कमेटी के लोग हमें कोई जवाब दे रहे हैं, ना खेल मंत्रालय से हमें कोई भी जवाब मिला है। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के गुर्गों की दबंगई सामने आई है, जहां प्रचार कर रही महिलाओं के साथ दबंगों ने अभद्रता की। मामला डी थाना क्षेत्र के परसदेशपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और निर्दलीय प्रत्याशी विनोद कौशल की पत्नी का है। विनोद कौशल की पत्नी महिलाओं की टोली के साथ नगर पंचायत के वार्ड में प्रचार कर रही थी, तभी मोटरसाइकिल सवार एक दर्जन से अधिक दबंगों ने महिलाओं को रोककर उनके साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही निकाय चुनाव, जैसे ही 4 मई को पहले चरण का चुनाव होना है, वैसे ही सत्तासीन प्रत्याशियों की जो है खुली गुंडई सामने आने लगी। आपको बताया परसदेपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जो है वो भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश के गुर्गों ने प्रचार कर रही महिलाओं के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। हालांकि उन्होंने पुलिस में शिकायत जरूर की है, लेकिन पुलिस भी अभी कार्रवाई करने से बच रही। हमारे साथ वो महिलाएँ हैं जिनके साथ इनको प्रचार करने के दौरान सड़क पर रोक कर इनके साथ अभद्रता करी गई है, और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मौन नजर आ रहा है। हमारे साथ वो महिलाएँ, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, ये वही महिलाएं हैं जिनको रोक कर जो है वो अश्लील हरकतें करी गई और गंदी गंदी गालियों से इनको प्रचार करने से भी रोका गया है। आप ये बताएं क्या हुआ था आपके साथ? हम लोग जो वहाँ से आ रहे थे मटियारा चौराहा पे बंगला बाजार बंगला उससे बंगले से तो वहाँ से आ रहे थे, तो 15-16 लोग थे बाइक से, तो लोग अभद्रा से कमेंट कर रहे थे और गालियाँ दे रहे थे, आगे पीछे नाच रहे थे। तो प्रचार करने से भी आपको रोका जा रहा था? जी। क्या कह रहे थे कि प्रचार ना करो? नहीं, वो ये नहीं कह रहे थे कि प्रचार ना करो, लेकिन वो लोग जो है गाली बक रहे थे और वो पुलिस में शिकायत भी कर दिया कि ये लोग बहुत लोग जा रहे हैं, ये है वो कर रहे थे। पुलिस बोले कि 5 लोग आप लोग निकलिए, बताइए हम 5 लोग कैसे जा सकते हैं। तो एक तो आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन का भी मामला यहाँ से आ रहा है, क्योंकि 12 से 15 जिस तरह से मोटरसाइकिल सवार जो है वो चेयरमैन पद के प्रत्याशी जो है उनके गुर्गों ने महिलाओं से अभद्रता करी। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, क्या हुआ था आप ये पूरी बात बताइए। जी सर, हम लोग जब इलेक्शन वोट मांगने के दौरान जाते हैं तो सही सही रास्ते भी नहीं जा पाते, हम लोगों को कहीं खेत से जाना पड़ता है, कहीं मेट से जाना पड़ता है, आए दिन बदतमीजी करते हैं। हम लोग इलेक्शन वोट के बारे में जाते हैं तो बदतमीजी करते, गाली देते हैं, उसके बाद बात कहते हैं हमारे बाइक पे बैठ जाओ और मार रख देता हूँ, गाड़ी बैठो, पैर पे चढ़ा देते हैं, छेड़खानी करते हैं, बार बार घुमा घुमा गाड़ी सामने रखते हैं, 4-5 औरतें जब हम 15-20 जाते हैं तो छेड़ते हैं, तो हम 5 औरतें कैसे जा पाएंगे आगे। तो ये बताइए आपके कुछ सुरक्षा कर्मी भी मिले हैं, गनर भी मिले हैं, साथ में गनर भी चलते हैं? वो भी रहते हैं, मना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग बदतमीजी करते हैं हम लोगों के साथ में। तो ये वो महिलाएं थी, इनका दर्द बिल्कुल जायज है कि इनको जो है सरकारी गनर भी मुहैया कराया गया है, उसके बावजूद भी जो है वो सत्तासीन प्रत्याशी के गुर्गे जो है अपनी दबंगई से बाज नहीं आ रहे हैं। अब देखना है ऐसे जो है दबंगों के खिलाफ जिला प्रशासन कब कार्रवाई करता है, या आचार संहिता ही हुई एक मजाक बनकर रह जाएगी। कैमरा पर्सन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में अयोध्या जिले के नगर पंचायत बीकापुर में सभासदी के चुनाव में 3 बार की हैट्रिक लगा चुके हैं इमरान अहमद ने। आज अपने समर्थकों के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता और चुनाव प्रभारी सुनील श्रीवास्तव की मौजूदगी में नगर निकाय चुनाव बीकापुर अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। इस दौरान उन्होंने 2 सीटों में अपना नामांकन पत्र उप जिला अधिकारी के कार्यालय में दाखिल किया। क्षेत्र की जनता अध्यक्ष पद प्रत्याशी को वार्ड नंबर 9 से लगातार 3 बार अपना सभासद चुन चुकी है। एक समाज सेवी होने के नाते अध्यक्ष पद प्रत्याशी की लोकप्रियता चर्चा का विषय बन रही है। नामांकन के 6वें दिन अध्यक्ष पद के लिए 6 और सभासद पद के लिए 20 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मतदान 13 मई को कराया जाएगा और मतों की गिनती 15 मई को की जाएगी।
भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत बनाएंगे, कूड़ा करकट गंदगी साफ करवाएंगे और वृद्धा विधवा तमाम पेंशन जो होती है जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसको आखिर पायदान तक पहुँचाएंगे। शौचालय पर क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी जो आवास को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जो कार्यकाल से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार चलाई 3 बार से दिल्ली में माननीय अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अभी आपने देखा होगा दिल्ली का चुनाव हुआ जहां पे 15 वर्षों से बीजेपी का राज था दिल्ली में, वहां पे भी हमने इनको बाहर किया क्योंकि वहां पे जो कूड़ों का ढेर लगा हुआ था दिल्ली में उस कूड़ों का ढेर को उठाने का काम आम आदमी पार्टी इस बार वहां पर जीत के की। इसी प्रकार आपने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भी गवर्नमेंट बनाई और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा नगर पंचायत का जो चुनाव हो रहा है, एक मौका हम चाहते हैं कि आप लोग आम आदमी पार्टी को दीजिए, झाड़ू चलाने वाला काम आम आदमी पार्टी को दे दीजिए। जो उत्तर प्रदेश में गंदगी है, भ्रष्टाचार है, इससे आम आदमी पार्टी। वहीं माता विंध्यवासिनी के धाम में मनोज तिवारी की 2 बेटियों का पारंपरिक परंपरा के अनुसार मुंडन कार्यक्रम हुआ। संगीता यहां 2 साल 4 माह की हैं, वहीं मनोज्ञा मात्र 4 माह की हैं। मनोज तिवारी ने बताया कि परिवार की परंपरा के अनुसार बच्चों का मुंडन संस्कार विंध्याचल में किया जाता है। परंपरा के अनुरूप माँ के धाम में मुंडन संस्कार कराया गया। उन्होंने प्रयागराज में हुई वारदात के बारे में फरार लोगों की गिरफ्तारी पर कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, कानून के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, सभी को सच के रास्ते पर चलना चाहिए, गलत रास्ता किसी को नहीं पकड़ना चाहिए। कि आज हमारे जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, हमारी 2 बेटियां जो 1-2 साल 4 महीने की हुई सान्विका तिवारी और जो 1-4 महीने की हुई है मनोज्ञा तिवारी, इन दोनों का मुंडन संस्कार आज माँ विंध्यवासिनी के दरबार में हुआ। सबको मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।